दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टॉक कॉस्टिंग मेथड का 5 पार्ट में है, यानी कि आगे हमने 4 पार्ट बना के रखे हैं, जिसमें हमने अलग अलग क्लोजिंग, जो हमारा स्टॉक वैल्यूएशन की क्लोजिंग मेथड होते हैं उसके बारे में देखा था। तो हमने ऑलमोस्ट सारी क्लोजिंग मेथड के बारे में आगे की वीडियो में देख लिया था। तो आज हमारी एक ही मेथड बाकी रह जाती है, वो है मंथली एवरेज कॉस्ट। यानी कि आगे हमने ये जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो सारी की सारी कॉस्टिंग मेथड देख ली थी। अभी हम ये लास्ट जो मंथली एवरेज कॉस्ट वाली मेथड है उसके बारे में ही देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे थे, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया है। तो आज हमारा पार्ट 5 है जिसमें हम मंथली एवरेज कॉस्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम हमारी चैनल पे इनकम टैक्स, GST, टेलीप्राइम, एडवांस अकाउंटिंग और भी काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको एडवांस अकाउंटिंग करनी है या तो टेली में मास्टरी करनी है तो आप हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मंथली एवरेज कॉस्ट होता क्या है। तो मंथली एवरेज कॉस्ट यानी कि हर मंथ में आपका जो भी एवरेज बन जाता है वो आपका नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाता है और उसके बिहाफ पे आपका क्लोजिंग वैल्यू निकल जाता है। तो हर मंथ में अगर आपने 10 परचेज करी है तो उसका एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा और वो एवरेज कॉस्ट आपके नेक्स्ट मंथ में भी चला जाएगा, और जो भी स्टॉक आपका रह जाता है उसका एवरेज आपका नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाता है, और फिर से उस मंथ का ओपनिंग बैलेंस मिला के और साथ में उसका भी एवरेज निकल जाता है जो कि दूसरे नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होता है। तो इस तरीके से हर मंथ का एक एवरेज कॉस्ट निकलता है जो हमारे आगे के मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो अब हम यहाँ प्रैक्टिकल तरीके से देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्रिएट में जाके हम यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर देंगे मंथली एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हमको भी ये पता रहे कि हमने यहाँ पर कौन सी मेथड चूज करी है। तो यूनिट में हम पीसीस रख देते हैं और यहाँ पर आपको कॉस्टिंग मेथड जो दिख रही है वहाँ पर सिलेक्ट करना है मंथली एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर इन्वेंटरी का नाम भी इसलिए मंथली एवरेज कॉस्ट रखा है क्योंकि हमको भी ये चीज़ मालूम पड़े कि हमने ये वाला जो स्टॉक आइटम है उसके कॉस्टिंग मेथड कौन सी चूज करी है। तो यहाँ पर मैंने कॉस्टिंग मेथड मंथली एवरेज को सिलेक्ट कर दिया है। अब हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो सबसे पहले हम वाउचर में जाके F9 प्रेस करके परचेज कर देंगे। मैं यहाँ पर ABC कंपनी से मंथली एवरेज कॉस्ट जो इन्वेंटरी है वो परचेज कर देती हूँ, ताकि मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखा सकूँ कि कैसे ये वाला जो मेथड है वो काम करता है। तो यहाँ पर मैं 100 क्वांटिटी परचेज करती हूँ 150 रुपये के प्राइस से। 15,000 हमारा यहाँ पर टोटल वैल्यू निकला है, और मैं यहाँ पर दूसरा भी एक परचेज कर दूँगी ABC कंपनी से अलग प्राइस पे। पहले हमने 150 रुपये के प्राइस से किया था, तो अब मैं यहाँ पर 200 रुपये के प्राइस से यहाँ पर परचेज कर देती हूँ 50 क्वांटिटी। और इसको भी मैं कंट्रोल ए करके सेव कर दूंगी। तो अब हम गेटवे ऑफ टेली में जाके स्टॉक समरी में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे मंथली कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा ये जो मंथली 31 मई पे हमने जो परचेस करी है 150 रुपये के रेट से 100 क्वांटिटी परचेस करी है, और दूसरी हमने 200 रुपये के रेट से 50 क्वांटिटी परचेस करी है। तो हमारा जो एवरेज निकल के आया है वो 166.67 रुपीस आ गया है, यानी कि
आप समथिंग समझ सकते हैं कि 167 रुपीस आया है, तो वो कैसे निकला है। तो ये जो हमारा इन्वर्ट में 25,000 है उसका डिवाइड कर दिया है 150 पीस से। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर में भी आपको दिखा देती हूँ, तो 25,000 डिवाइड 150, जब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये जो एवरेज आ गया है, तो ये हमारा हुआ मंथली एवरेज कॉस्ट का मई महीने का एवरेज, जो कि आपका नेक्स्ट मंथ यानी जून मंथ में भी यही आपका ओपनिंग बैलेंस में दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर जून मंथ के लिए भी एक एंट्री कर देती हूँ, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये वाला मेथड यूज होता है। F2 करके मैं यहाँ पर एक जून 2024 कर देती हूँ। वापिस से मैं ABC कंपनी से माल परचेस करने वाली हूँ। मंथली एवरेज कॉस्ट जो मैंने यहाँ पर 70 पीस परचेस करे हैं और 165 रुपीस के प्राइस से मैंने यहाँ पर परचेस किया है, और मैं इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दूंगी। और मैं फिर से जून में एक दूसरा भी परचेस कर देती हूँ डिफरेंट प्राइस से, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसका क्लोजिंग होता है। तो यहाँ पर मैं मंथली एवरेज कॉस्ट परचेस कर दूंगी, और 90 पीस यहाँ परचेस कर देती हूँ, उसका प्राइस मैं यहाँ पर 70 रखूंगी, और इसको मैं कंट्रोल ए करके सेव कर देती हूँ। तो अब हम गेटवे ऑफ ट्रेडिंग में जाके स्टॉक समरी में जाएंगे। तो अब यहाँ पर मंथली एवरेज कॉस्ट में भी मैं चली जाती हूँ, और मई का मैंने आपको जैसे दिखा दिया कि मई का हमारा जो कॉस्ट क्लोजिंग का एवरेज है वो 166 निकला है, और यहाँ पर हमारा जून का जो क्लोजिंग रेट है वो 167.26 रुपीस निकला हुआ है। तो ये कैसे निकला, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी दिखा रहा है 166.67, और जिसमें हमने जून मंथ में दो परचेस किए हैं, जो 165 रुपये की रेट से एक 70 क्वांटिटी परचेस करी है, और 170 रेट से हमने 90 पीस परचेस करे हैं। तो यहाँ पर ये जो 167 है वो किस तरीके से आया, तो वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल एन करके कैलकुलेटर ओपन कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपका इनवर्ड में जो दिखा रहा है 25,000 हमारी ओपनिंग वैल्यू है, और दो हमने जो परचेस करे हैं वो, तो ये सारा मिला के हमारा टोटल जो स्टॉक पड़ा है वो हमारा पड़ा है 51,850 रुपीस का। तो मैं यहाँ पर 51,850 रुपीस लिख देती हूँ, और उसको हम डिवाइड करेंगे हमारे पास जितनी क्वांटिटी के स्टॉक पड़े हैं, यानी कि 310 हमारे यहाँ पर स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो मैंने ले लिया। अब मैं इसको एंटर करूँगी, तो आप देख सकते हैं कि 167.2581 आ रहा है, जो कि हमारा क्लोजिंग में भी दिखा रहा है, जो कि सेम ही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये हमारे मई मंथ का जो हमारा क्लोजिंग था वो जून के ओपनिंग में काउंट होके हमारा एवरेज काउंट हुआ है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप वो 25,000 वाली वैल्यू नहीं लेंगे तो आपका ये जो एवरेज है वो अलग आएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक जो परचेस करी है वो 11,550 रुपये की है, और उसको हम प्लस करेंगे 15,300 से, और उसको हम डिवाइड करेंगे हमारा जो पीस पड़ा है 90 और 70 हमारा होता है 160। तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर दूंगी 160 से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा जो टोटल था वो 26,850 है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगी 160 से, तो हमारा जो एवरेज है वो 167.81 आ रहा है, और जो कि हमारा टेली प्राइम में 167.26 रुपीस आ रहा है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है
वो काउंट करके इसने यहाँ पर हमको क्लोजिंग बैलेंस बना के दिखाया है। तो मैं यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें सेल कर दूंगी फिर भी हमारा जो क्लोजिंग रेट है वो इतना ही रहने वाला है। मैं यहाँ पर वाउचर में जाके F8 प्रेस करके सेल्स कर दूंगी। एक्सवाचेट कंपनी को मैं यहाँ पर मंथली एवरेज कॉस्ट का जो सामान पड़ा है उसमें से मैं 150 क्वांटिटी सेल कर देती हूँ 250 रुपए के रेट से। और मैं इसको कर दूंगी कंट्रोल ए करके सेव, और इसको भी मैं कर दूंगी कंट्रोल ए करके सेव। तो अब हम जाएंगे स्टॉक समरी में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो क्लोजिंग में 167.26 आ रहा है वो पहले वाला ही आ रहा है, जिससे सेल्स से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये जो मंथली एवरेज कॉस्ट का मेथड है वो इस तरीके से काम करता है, यानी कि पिछले मंथ का हमारा क्लोजिंग इस मंथ का ओपनिंग होके वो साथ में कैलकुलेट होके हमारी वैल्यू निकलती है क्लोजिंग वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा ये मंथली एवरेज कॉस्ट काम करता है। तो ये तो हमने देखा मंथली एवरेज कॉस्ट, जो कि हमने सारी की सारी मेथड यहाँ पर देख ली है। तो आप यहाँ पर PDF नोट भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी मेथड हमने जो है वो डिस्कस कर ली है। तो उम्मीद है आपको ये सारी की सारी मेथड जो है वो समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर से पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने का ज़रूर से आंसर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से करें, ताकि उनको भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें और वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहें। तो अगर आपको भी अपने फील्ड में मास्टरी करनी है, यानी कि आपको भी इनकम टैक्स, GST, TDS, टेली, एडवांस अकाउंटिंग कुछ भी सीखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। और यहाँ पर टेली में एक और ऑप्शन होता है, तो अगर आपको कोई एक स्टॉक की सारी वैल्यूएशन की मेथड के हिसाब से देखना है कि कौन से स्टॉक का अलग अलग मेथड से क्या इफेक्ट पड़ेगा क्लोजिंग में, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक समरी में जाएंगे और यहाँ से आपको नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अल्टर एन प्रेस करेंगे तो ऑटो कॉलम का, वहाँ पर आपको ये जो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड दिखा रहा है उसको सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग मेथड यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा कंप्यूटर है जिसका क्लोजिंग वैल्यू जो है वो 20 स्टॉक पड़ा है, जिसका रेट जो है वो 14,750 है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 2,95,000 रुपये है, यानी कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। और पास में आपको एक दूसरा कॉलम मिलेगा फीफो का, इसमें फीफो मेथड के यूज़ से ये वाला जो कंप्यूटर का क्लोजिंग वैल्यू है वो भी देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही डिफो परपेचुअल में भी देखने को मिल रहा है। तो नीचे आप देख सकते हैं अलग अलग साइड में आपको कॉलम मिलेंगे जिसमें अलग अलग रेट लिखा हुआ है, और लिफो एनुअल में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से यहाँ पर 3,00,000 इसकी क्लोजिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि ये अलग अलग मेथड है और अलग अलग मेथड से कौन कौन सा डिफरेंस होता है क्लोजिंग मेथड में, वो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर साइड में स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आप यहाँ पर अलग अलग मेथड के हिसाब से अलग अलग स्टॉक में कौन कौन सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्टॉक की वैल्यूएशन भी देख सकते हैं कि अलग अलग मेथड से कौन सा यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसकी मदद से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी मेथड से आपका कौन सा स्टॉक कौन सी प्राइस पे आ रहा है। तो उस हिसाब से आप अपनी कंपनी में
सेट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी मेथड का यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये जो हमारी प्लेलिस्ट थी वो यहाँ पर पूरी हो जाती है स्टॉक वैल्यूएशन मेथड की। तो उम्मीद है आपको सारे के सारे वैल्यूएशन पता लग गए हैं और आपको अच्छे से सारा का सारा कुछ समझ में आ गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दूसरी वीडियो तक बने रहे, तब तक अलविदा, धन्यवाद।